हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिन्हा स्टडी स्टेशन। आज हम देखेंगे सिस्टम डेटाबेस के बारे में। MS SQL सर्वर में डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस क्या है और सिस्टम डेटाबेस क्या होता है, यूजर डेटाबेस क्या होता है, तो आइए हम जानते हैं। पहला हमारा है व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर, फंक्शन एक्सेट्रा। एज लाइक वी हैव अ होम वेयर वी लाइव, सिमिलरली वी हैव डेटाबेस विच काइंड्स ऑफ होम ऑफ ऑल टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर विच आर इंटरलिंक्ड। डेटाबेस एक कलेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं, व्यूज होते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं, उसी तरह से डेटाबेस को एक घर मान लिया जाए और उसके सारे मेंबर्स जो हैं वो स्टोर प्रोसीजर्स, टेबल, व्यू, फंक्शंस, ये सब होते हैं। तो ये डेटाबेस का डेफिनेशन होता है। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस होते कितने टाइप्स के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस। पहला होता है सिस्टम डेटाबेस। द सिस्टम डेटाबेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली फॉर यू व्हेन यू इंस्टॉल इन SQL सर्वर। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द SQL सर्वर, स्पेशली इन इंश्योर दैट डेटाबेस ऑब्जेक्ट आर करेक्टली, दैट वाज रन करेक्टली। सिस्टम डेटाबेस वो होता है जब हम MS SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं। आपने देखा भी होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। जब हम डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो हमारा सिस्टम डेटाबेस ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है साथ में। दूसरा होता है यूजर डेटाबेस। यूजर डेटाबेस वो होता है जब एक यूजर अपने लिए वर्क के लिए एक डेटाबेस बनाता है। वो भी तब बनाता है जब उस यूजर को क्रिएशन का, डेटाबेस क्रिएशन का परमिशन हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम डेटाबेस है क्या क्या। हमारे पास सिस्टम डेटाबेस वैसे जो मेन होते हैं वो चार होते हैं, मास्टर डेटाबेस, TempDB डेटाबेस, मॉडल डेटाबेस, MSDB डेटाबेस। बट दो और होते हैं जो रिसोर्स डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस। रिसोर्स डेटाबेस हमेशा हिडन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस जो हमारे जब हम रिप्लिकेशन तैयार करते हैं तब वो हमारे पास शो होता है। पहले हम देखते हैं मास्टर डेटाबेस क्या होता है। तो मास्टर डेटाबेस का पर्पस होता है कि कोर सिस्टम डेटाबेस टू मैनेज द SQL सर्वर इंस्टेंस फ्रॉम SQL सर्वर 2005। द मास्टर डेटाबेस इज लॉजिकल रिपोजिटरी फॉर द सिस्टम ऑब्जेक्ट रिसाइडिंग द स्कीमा। 2005 से मास्टर डेटाबेस जो होता है वो सिर्फ लॉजिकल इंफॉर्मेशन रखता है पूरे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें टेबल्स, स्टोर प्रोसीजर, स्कीमा, फंक्शंस वगैरह होते हैं। इन SQL 2000 एंड प्रीवियस एडिशन SQL सर्वर मास्टर डेटाबेस फिजिकली स्टोर ऑल सिस्टम डेटाबेस। 2005 से पहले जो भी जितने भी MS SQL सर्वर थे उसके वर्जन में मास्टर डेटाबेस में ही लॉजिकल और फिजिकल दोनों फाइल्स हुआ करती थी। बट अभी सिर्फ लॉजिकल फाइल्स होती हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इसमें प्री इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, डेटाबेस डिसाइडिंग ऑन इंस्टेंस, सारे डेटाबेस का इसमें लॉजिकल फाइल होता है। इसमें लॉगिन्स होते हैं कि आपके डेटाबेस में, आपके SQL सर्वर में कितने लॉगिन्स हैं। लिंक और रिमोट सर्वर का सारा इंफॉर्मेशन होता है, साथ में ही एंड पॉइंट्स का होता है, जो कि हम इन सब पे बाद में डिटेल में बात करेंगे। अगला हमारा होता है TempDB डेटाबेस। TempDB डेटाबेस का पर्पस ये होता है कि उसमें टेम्प्रेरी फाइल स्टोर होते हैं। हम जितने भी क्वेरीज लिखते हैं वो सारे TempDB में स्टोर होते हैं। TempDB जो होता है हमारा, वो दो टाइप के टेबल बनाता है, एक सिंगल हैश, एक डबल हैश के साथ। सिंगल हैश जो हमारा होता है वो लोकल टेबल होता है, लोकल टेम्प्रेरी टेबल। दूसरा जो होता है हमारा डबल हैश के साथ, वो ग्लोबल टेम्प्रेरी टेबल होता है।
अब इसमें जब हम बनाते हैं, जब हम इंस्टेंस को रीस्टार्ट कर देते हैं, तो हमेशा हमारा टेम्प डीबी जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। जितना कुछ इसमें बनाया होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो परमानेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द डेटाबेस। इसमें परमानेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। तीसरा हमारा है मॉडल डेटाबेस। मॉडल डेटाबेस का पर्पस क्या है? मॉडल डेटाबेस हमारा, जैसे इसका नाम है, उस टाइप से मॉडल डेटाबेस हमारा जो है वो टेम्पलेट है। नए यूजर जो भी क्रिएट करते हैं डेटाबेस, उसका टेम्पलेट होता है ये। ठीक, अगर हमने मॉडल डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर दिया, किसी यूजर ने एक नया डेटाबेस बनाया, तो वो ऑलरेडी टेबल वो उस नए डेटाबेस में आ जाएगा। इसके फंक्शनैलिटी क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉलम्स, यूजर्स। नेक्स्ट हमारा है एमएसडीबी डेटाबेस। एमएसडीबी डेटाबेस का पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें एसक्यूएल सर्वर एजेंट्स के सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। हम जितने भी एजेंट्स जॉब शेड्यूल करते हैं, या फिर ऑपरेटर्स बनाते हैं, या फिर इसमें जो अलर्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे एमएसडीबी डेटाबेस में स्टोर्ड होते हैं। एक हमारा हिडन डेटाबेस है, जो कि रिसोर्स डेटाबेस। रिसोर्स डेटाबेस, अब जब हमने पढ़ा था एमएस एसक्यूएल सर्वर का सिस्टम डेटाबेस में मास्टर डेटाबेस। मास्टर डेटाबेस क्या होता है? लॉजिकल फाइल रखता है। वहां से फिजिकल फाइल 2000 से पहले और 2000 में जब आता था वो मास्टर में आता था। आफ्टर 2005 से यह सारा का सारा फिजिकल फाइल जो होता है वो रिसोर्स डेटाबेस में स्टोर होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं मास्टर डेटाबेस और रिसोर्स डेटाबेस एक दूसरे के पूरक है। जब हम अपग्रेड करते हैं, रोल बैक करते हैं सिस्टम ऑब्जेक्ट्स को, एबिलिटी को ओवरराइड करते हैं, तो ये डेटाबेस काम आता है। इसके फंक्शनैलिटी क्या है? इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डेफिनेशन रहते हैं। ऑल फिजिकल फाइल स्टोर इन दिस डेटाबेस। आज हमने सिस्टम डेटाबेस देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे। थैंक यू।